नमस्कार जय माता दी, मैं हूँ आपके अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। भोलेनाथ का पावन अवसर, खास करके महाशिवरात्रि, जब भी ऐसा समय आता है तो भगवान भोलेनाथ वैसे बहुत प्रसन्न होते हैं, लेकिन आपको मालूम है कि कितनी सारी समस्याओं के समाधान निकालते हैं, लेकिन कैसे निकालते हैं? कहते हैं कि जब शिवरात्रि हो और चार पहर की पूजा कर ली जाए, तो ऐसे में सिर्फ एक दो समस्याएं सॉल्व नहीं होती है, बहुत सारी समस्याओं के समाधान निकलते हैं। जैसे पितृ दोष हो, पितृ दोष को शांति मिलती है, और काल सर्प दोष, अगर किसी की कुंडली में काल सर्प योग होता है, वैसे नौत दोष, तो अगर ये भी समस्या किसी को कोई परेशान कर रही हो तो भी उसका निवारण मिलता है। बहुत सारे दंपति ऐसे होते हैं कि संतान को लेकर के चिंतित होते हैं, यानी उनकी संतान सेटल्ड नहीं हो रही या फिर संतान हो ही नहीं रही, तो ये समस्या का समाधान भी जरूर मिलता है। पति पत्नी में खास करके डिस्प्यूट हो, झगड़ा, चाहे किसी भी लेवल का हो, चाहे तलाक तक क्यों ना पहुंचा हो, चार पहर की पूजा में इतनी शक्ति होती है, अगर सही विधि विधान से कर ली जाए तो यकीन मानिए बड़े से बड़े कष्ट से मुक्ति मिल जाती है। लेकिन चार पहर की पूजा किस किस समय पर करनी चाहिए, कौन सा है वो दिव्य समय जब पूजा आप कर सकते हैं, हम आपको टाइम बताएंगे कि कौन कौन से समय से लेकर के किस समय तक आप इस पूजा को कर सकते हैं। फिर आती है इसके अलावा, जैसे एनिमीज, बहुत सारे किसी के एनिमीज बन जाते हैं, शत्रु बन जाते हैं, तो ऐसे लोगों को भी खास करके अपने एनिमीज से, शत्रुओं से मुक्ति मिलती है, शांति मिलती है। रोग, बड़े से बड़ा रोग जिसका आपको इलाज ही नहीं मिल पा रहा हो, और कई आपने ट्रीटमेंट करवा दिए हो बट आपको सोल्यूशन नहीं निकल रहा, डॉक्टर नहीं सही मिल पा रहा, बीमारी पकड़ में नहीं आ रही, चार पहर की पूजा, चार पहर की पूजा से ही आपको बहुत बड़ा रिलैक्स मिल सकता है, यानी आपकी बीमारी पकड़ में आ सकती है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे काम जो आपके सक्सेसफुल नहीं होते हैं, कई कोशिशों के बाद भी काम बीच में अटक जाता है, काम पूरा ही नहीं होता, तो भी आप चार पहर की शिवरात्रि के दिन रात्रि मिला करके चार पहर की पूजा आप कर सकते हैं, बड़ी से बड़ी कष्ट से मुक्ति के लिए भी रास्ता जो है वो इन चार पहर की पूजा से जाता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, बहुत पढ़े लिखे होते हैं, अच्छा काम कर रहे होते हैं, इनकम सोर्स उनका बहुत अच्छा होता है, लेकिन शादी नहीं हो पाती, यानी कई रिश्ते देखते हैं बट शादी सिरे ही नहीं चढ़ती, तो ऐसे के लिए भी, ऐसे व्यक्तियों के लिए, ऐसे जातकों के लिए, ऐसे बच्चों के लिए भी शादी के अच्छे अवसर बनते हैं अगर वो चार पहर की पूजा करते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी शादी होते 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 रुक जाती है, या किसी कारण से कोई बड़ी अड़चन आ जाती है कि शादी कंप्लीट नहीं हो पाती, ऐसे लोगों के लिए भी रास्ता जो है चार पहर की पूजा से जाता है। अब ये चार पहर जो है बड़े दैवीय चार पहर होते हैं, ये चार पहर कौन कौन से हैं, किस किस समय पूजा करनी है, 1 मार्च को महाशिवरात्रि है ये हर कोई जानता है, लेकिन 1 मार्च से ही पहला पहर जो शुरू होगा वो शुरू होगा सुबह 6:21 से लेकर के रात के 9:27 तक का समय तो पूरा दिन ही है, तो इसमें से जो पहला पहर होगा, जो पहला समय होगा, वो आपने सुबह सुबह 6 से 9 के बीच में पूजा कर देनी है, कंप्लीट पूजा कर लेनी है, यानी आपने अपनी पूजा जो है वो बीच में नहीं रखनी है, ये ध्यान रखने की जरूरत है, और बीच में छोड़नी नहीं पूजा, अगर आपने संकल्प लिया चार पहर की पूजा का तो चार पहर कंप्लीट कीजिएगा, अगर आपने संकल्प नहीं लिया तो आप किसी भी समय की पूजा जो है वो कर सकते हैं, तो कोशिश कीजिएगा अगर संकल्प ले रहे हैं तो पूरे कंप्लीट चार पहर आप जरूर कीजिएगा। ओम नमः शिवाय मंत्रों के जाप खूब दबा करके कीजिए, जितना कर सकते हो, अगर आप 1 माला, 2 माला, 3 माला, और कहते हैं कि वैसे
चार माला जाप करते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। तो चार माला जाप जो है ओम नमः शिवाय के जरूर कीजिए, पहले पहर में तो स्पेशली आप कीजिए ही कीजिए, ताकि आपको और अच्छा लाभ फायदा जो है वो मिले। अब ये सुबह की पूजा तो हो गई, लेकिन अब हम पहरों की पूजा की बात करेंगे कि जो एग्जैक्टली हमें जैसे रात्रि शिव रात्रि रात्रि का कंसर्न जो है वो बहुत ज्यादा है, तो हम जो शाम से लेकर के रात्रि तक के पहर पड़ेंगे उनमें आपने पूजा जरूर करनी। ये तो सुबह की पूजा थी, जब आपका उदयातिथि होती है उदयातिथि की पूजा बहुत उत्तम मानी जाती है। और ये भी कहा जाता है कि जब शिवरात्रि का दिन है तो सुबह से ही विधि विधान आपके शुरू हो जाने चाहिए, लेकिन रात्रि के चार पहर वो समय आपके लिए दैवीय समय होगा। पहला समय होगा 6:21 से लेकर के 9:27 तक का, ये शाम को 6:21 से 9:27 के बीच का टाइम है, जब आपने भगवान भोलेनाथ के मंत्रों के जाप करने हैं, स्मरण करना है। दूसरा पहर जो दूसरी पूजा 1 मार्च की रात्रि की, वो होगी 9:28 से लेकर के 12:32 तक की, और दूसरा समय ये समय है। अब ये रात्रि जागरण तभी तो कहते हैं कि बैक टू बैक भी आप इसको पूजा को कर सकते हैं, लेकिन इसी बीच ही कीजिए। ये पहर तो लंबा है, लेकिन कम से कम अगर कि चार माला जाप भी आप कर लेते हैं इन्हीं समय के बीच में, यानी एक बार उस समय किया फिर दूसरा इस समय के बीच का टाइम चूज कर लिए, तो भी आपको बहुत लाभ मिलता है। और कुछ लोग तो पूरी रात्रि का जागरण करते हैं, वो तो दैवीय शक्ति क्रिएट कर लेते हैं। तीसरा समय रात्रि के चार पहर की बात कर रहे हैं, तीसरा समय जो कि 12:32 से शुरू होकर के सुबह के 3:35 तक का समय है। रात के 12:32 से शुरू होकर के सुबह के 3:35 तक का समय, 3:35 तक का समय है, जब आपने रात्रि यानी दूसरी सुबह लग चुकी होती है, 12 बजे के बाद सुबह लग जाती है, तो दूसरी सुबह लग चुकी होती है, बट ये बड़ा भोर का समय होता है, वो समय अलग देवीय चमत्कारी समय होता है। इस समय की पूजा तो वैसे ही बहुत ही अच्छी मानी जाती है, और पूरा कहते हैं ना कि आप अंतरिक्ष से ही पूरी आप अपनी एनर्जी ले सकते हैं, और ये समय बहुत चमत्कार करता है आपके जीवन में। तो इस समय की पूजा भी बहुत ही अच्छी मानी जाती है, बहुत देवीय रिजल्ट देगी, बहुत अच्छी एनर्जी क्रिएट करेगी, और आप जो एक एक पड़ाव करके आगे बढ़ रहे हैं उन पड़ावों में आप पहुंचते पहुंचते अपनी मंजिल को हासिल करने की तरफ पहुंच रहे हैं। एक तो अपनी सुबह पूजा जो हमने बताई है वो करनी ही करनी है, पर्टिकुलर टाइम बताया है, लेकिन उसके बाद हमने शाम के पहर 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 की बात कर रहे हैं कि शाम के ये ऐसे दैवीय समय है जब आप इसी बीच कुछ पूजाएं करते हैं तो बहुत अच्छा फायदा लाभ देती है। आखिरी समय यानी जो सुबह के 2 मार्च का हो जाएगा वो है सुबह 3:36 यानी 3:36 से लेकर के और सुबह के 6:45 तक का समय। हमने आपको एक वीडियो में बताया था ना कि आपने व्रत का पारण कब करना है, इसीलिए हमने कहा था कि व्रत का पारण आपने 6:45 के बाद करना है। ये 2 तारीख की सुबह होगी, यानी 1 की पूरी रात्रि दूसरी 2 की सुबह तक चलने वाला समय, ये बड़ा देवीय समय है। तो आपने हर समय का बहुत अच्छे से यूज करना है, यूटिलाइजेशन करना है, आपने प्रयोग में लाना, अच्छा समय अच्छी एनर्जी देवीय शक्तियां ये सारी आपने क्रिएट करनी है। तो ये समय होगा 6:45 तक का 2 तारीख का, जिसे हम चौथे पहर को भी कन्वर्ट करेंगे, यानी इस समय के बाद ही आपने पारण करना है, इस समय के बाद ही आपने अपने व्रत को खोलना है, इस समय के बाद ही आपने नहा धो करके स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके, आपने अपनी दूसरी वीडियो में बताया था कि आपने कैसे बेलपत्र से हवन भी करना है, तो अपनी सारी मनोकामना को पूर्ण भी करना है। तो ये समय जो है रात्रि के चार पहर ये पूजाएं जरूर कीजिएगा, और इसी बीच बीच में ही
चार चार माला कम से कम ओम नमः शिवाय मंत्रों के जाप कर लीजिए। अगर कुछ भी नहीं कर पाए तो एटलीस्ट आप ये पूजा इस तरीके से जरूर कीजिए ताकि आपको फायदा जरूर हो। अब मंत्र की जब हमने बात कह रहे हैं कि चार चार मालाएं जाप कीजिए, तो हमने एक मंत्र की वीडियो डाली है कि जहां पांच तत्व का कंसर्न बन रहा है मंत्रों के साथ, तो किस तरीके से मंत्र कीजिए ताकि आपको फायदा बहुत ज्यादा हो। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिएगा, वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा और मेरी आने वाली वीडियो का आप इंतजार करें। तब तक के लिए नमस्कार।